अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनोज हलवा। जिसमें आज ही बना रही हूँ बीफ शाशलिक। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बीफ शाशलिक बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 300 ग्राम बीफ है, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया, ठीक है। इसको हमने मैरिनेट करना है, इसके लिए मेरे पास मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ पे वर्चस्टर साइज सॉस लिया हुआ है, इसे ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके साथ ही यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है, इसे ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे केचप है, टमाटो केचप, इसे ऐड करेंगे। 1 क्लोव्स गार्लिक का है, मैंने बड़े साइज का क्लोव्स लिया था गार्लिक का, उसको उस तरह बारीक चॉप कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे इसके अंदर। स्पाइसेस में यहाँ मेरे पास 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, सॉल्ट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसे भी ऐड करेंगे। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर है और 1/2 टीस्पून मीट टेंडराइजर पाउडर है, इन तीनों को भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए साइज कोर्स रेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब जब मैंने सारे भी शाशलिक स्टिक्स रेडी किए थे, अब हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे फ्राई करना है क्योंकि बीफ कच्चा है, तो इस तरह से बारी बारी इन सबको फ्राई करेंगे। चलिए, बस जैसे एक साइड से कुक हो जाएगी तो मैं उसकी साइड चेंज कर दूंगी और जब दो तरफ से कुक हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूंगी। चलिए जी, बीफ शाशलिक रेडी हो चुका है, इसको मैंने सर्व कर दिया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जो क्या आपको पसंद आएगा मुझे दुआ में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।